यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए या उनकी रगों में मेरा खून समझ या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक तकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए धनाधन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि मामहिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बातों में इसका जिक्र किया। भाई, जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल, जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। ये स्वर देख रहे हैं किस तरीके से, उन्हीं की बातों का इस्तेमाल करके कि इन्होंने कहा था कि कभी आश्रम जाएंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर राजद के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी को इस बात का सुझाव दे रहे हैं। देखिए, आज जो सरकार बनी है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन में आया, और एक मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा से वो इस गठबंधन में है। उनको इस बात का डर था कि उनके घटक दल जो पुराने थे भाजपा, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का ये गठबंधन है, बिहारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे पर हावी होगी, टकरार दिखेगा। ये भी टकरार का ही एक स्वर है, जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया अब आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, लड़े भैया, बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ताकत का उनको अंदाजा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समट के रह गए थे, वो तो तब जब वो फिर भी सुशील से जाना, चुनाव लड़े, जीते, मेरी शुभकामनाएं, बस बिहार को बचने ही आग्रह करूंगा।